करोड़ रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन 365 दिन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कलेक्टर साहब को निर्देशित किया था कि स्मारक के आसपास जो जगह खाली हो वो तुरंत देखें और वहाँ पर हम धर्मशाला बना सके जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का काम करेगी। उसके बाद में 14 अप्रैल निपट गई। 14 अप्रैल निपटने के बाद में कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर जो काम पेंडिंग पड़े थे उसकी जानकारी लेने नहीं आया और आज स्थिति ये रही कि इतनी महिलाएं इसके अंदर आई हैं, उनको स्नान करने की, शौचालय जाने की और खास करके भोजन बनाने